नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव, मैं आपके साथ सचिन। हमारे साथ फुटबॉलर सौरभ मंडल मौजूद हैं। सौरभ, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स लाइव में। आपसे जानना चाहता हूँ, नए सीजन का आगाज होने वाला है, ISL 10वां सीजन है ये, कितने एक्साइटेड हैं आप इसे लेकर? काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है जी ये सीज़न के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर आई डोंट थिंक इट वाज अप टू द मार्क, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीजन। केरला ब्लास्टर्स की अगर बात करें तो 2019 का सीजन कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन रहा, लेकिन क्लोज मैचेस देखने को मिले। इस बार क्या क्या लग रहा है, कितनी प्रिपरेशन है आपके, कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि कई सारी टीम्स और इस बार तो दो टीम्स एक्स्ट्रा और हो गई हैं, 12 टीमें खेलने वाली हैं। दो टीम एक्स्ट्रा है वो अच्छा है वैसे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा मैचेस मिलेगा, प्लेयर्स को ज़्यादा गेम टाइम मिल सकता है, स्पेशली यंग प्लेयर्स को। प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा है, टीम में सब अच्छा है, लेकिन फॉर मी पर्सनली आई जस्ट गॉट अ लिटिल इंजरी, सो रिकवरिंग फ्रॉम दैट। आपने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं केरला ब्लास्टर्स के खेले लिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा 2022 से 2023, पिछले एक साल का अगर हम बात करें, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अप्स एंड डाउन आए, स्टार्ट में थोड़ा नर्वस होता था क्योंकि बिग स्टेज आया था, बट धीरे धीरे यूज टू हो गया और स्विंग इट डाउन। हाँ, अगर बात करें दूसरी टीम्स की तो मोहन बगान टीम हमने देखा लास्ट टाइम चैंपियन रही है, और रिसेंटली डूरन कप के अंदर भी उन्होंने खिताब जीता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टीम है जो कि एमर्जिंग कह सकते हैं, बेहतर कर रही है। नॉर्थ ईस्ट ने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, और हम आपकी टीम की अगर हम बात करें केरला ब्लास्टर्स की, तो किस तरीके से मतलब कोचेज से भी आपकी बात होती होगी और किस तरीके का तालमेल नज़र आ रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू में बहुत कम वक्त रह गया? कोचेज एक्चुअली हम लोग को बहुत गाइड करते हैं, जैसा भी हम लोग का प्लेइंग स्टाइल है, तो उस हिसाब से प्लेयर साइनिंग हुआ है ये सीजन। कोचेज ज़्यादा प्रेफर यंग प्लेयर्स एंड वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस प्लेयर आल्सो, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ यंग एंड मैच्योर। कोई ऐसी टीम्स अगर हम बात करें, क्योंकि बेंगलोर एफसी, चेन्नई टीम भी है इसके अंदर, और नॉर्थ ईस्ट की हमने बात कर ली, और साथ में मोहन बगान की, कई सारी टीम्स हैं जो कि बेहतर कर रही हैं पिछले कुछ समय में, कौन सी टीम आपको लगता है कि ये टीम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है खेलना दिस सीजन? यस यस, दिस सीजन आई थिंक ईस्ट बंगाल विल बी टफ टू प्ले अगेंस्ट। डूरन कप में जैसा उन लोगों का परफॉर्मेंस था, काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू लास्ट थ्री सीजन, आई थिंक ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल, आपके फिटनेस के बारे में जानना चाहेंगे, कितनी हार्ड ट्रेनिंग आप करते हैं और क्या मतलब, अब जैसे क्योंकि टूर्नामेंट 21 तारीख से शुरू होने वाला है, अभी किस तरह की ट्रेनिंग चल रही होती है और टूर्नामेंट से पहले? अभी तो फॉर नाउ मेरा तो रिहैब चल रहा है, लेकिन इंजरी से पहले हम लोग का मॉर्निंग में वीक में 3-4 टाइम्स जिम सेशन रहता है, और इवनिंग में ट्रेनिंग एवरी डे 1.5 hours or 2 hours। पहले भी आप कई क्लब्स के साथ खेल चुके हैं, लेकिन केरला ब्लास्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीम के साथ जुड़ करके कैसा रहा पिछला एक साल आपका? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए पर्सनली, काफ़ी यंग हूँ मैं और ना बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, शेयर करने का चांस मिल रहा है, तो बहुत ऑन एंड ऑफ द फील्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। अभी जो हमारी टीम है अंडर 23 की, एशियन गेम्स स्टार्ट होने वाला है 19 तारीख को, हम देखेंगे टीम खेलेगी, उसके लिए आप कैसे देखते हैं इंडियन टीम की अगर करंट टाइम्स में बात करें? कुछ बड़े नाम जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो मिस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, जो कि होने चाहिए थे, और इस पर हीटिंग डिबेट भी चल रहा है कि भाई देश एक तरफ है और दूसरी तरफ क्लब्स एक तरफ है, उस पर आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कंट्री भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और एशियन गेम्स में तमाम खिलाड़ी भी खेलना पसंद करते हैं। उसको ही आंसर करना पड़ेगा कि अगर कुछ रिजल्ट नेगेटिव आया तो ही विल बी आंसरेबल, तो जो भी उसको चाहिए जितना टाइम चाहिए आई थिंक वो देना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट आया था, एक ऑस्टिमिक जो कोच है भारतीय टीम के, उन्होंने काफ़ी समय से उनकी कोचिंग के अंदर टीम इंडिया ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, हमने देखा कि साफ चैंपियनशिप हमने देखी, इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी भारत ने जीता है, और रिसेंटली भी जो गेम्स हुए हैं उसमें भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आया। अब आगे की जो राह है, पिछले एक साल अगर देखें तो इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा रहा, रैंकिंग्स में 99 पर अगर हम आ गए, पहले 100 से ऊपर थे, अभी करंट टाइम्स में आपसे मैं टेक लग जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो करंट टाइम्स में न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि पूछा भी जा रहा तमाम खिलाड़ियों से, मैं आपका ये जानना चाहता हूँ कि एज अ क्लब वाइज, क्योंकि क्लब्स बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई हम हमारे लिए टूर्नामेंट्स ये एफसी भी है और साथ में ISL भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में इंडियन कोचेज ये चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो आए हमारे साथ खेले, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो वो कहना चाहूँगा कि क्लब्स को रिलीज़ करना चाहिए प्लेयर जो भी कोच को चाहिए, क्योंकि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को क्वालिफाई करने का, तो प्लेयर्स को जाने बेटर होगा। और कोई खास मेमोरी अगर आप अपने साथ हमारे साथ शेयर करना चाहें आईएसएल से जुड़ी हुई जो रही हो, इंडियन सुपर लीग में आप खेल रहे हैं, कोई स्पेशल मेमोरी, कोई स्पेशल मैच आपको याद हो होगी यहाँ पर आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट मेमोरी रही हो? आईएसएल में नहीं, लेकिन लास्ट सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस या फिर बेस्ट मैच, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट राउंड ग्लास। ओके, सुपर कप में था। ओके, आई वाज लाइक नॉट सैटिस्फाइड बट आई वाज हैप्पी। ओके, इस बारी क्या चांसेस लग रहे हैं, इस बारी टीम का मोराल कैसा है? बैठ के बात होगी, मीटिंग्स हुई होंगी, उसमें किस तरीके का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, क्या मतलब आगे, क्योंकि क्या हम नॉकआउट स्टेजेस में जाएंगे या आगे तक जाएंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हम लोग को ऐसा थिंकिंग के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को वन स्टेप एट अ टाइम, अभी हम लोग का फोकस सिर्फ फर्स्ट गेम पे है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी हम लोग सोच के बैठे कि ये टीम के साथ अगेंस्ट ऐसा खेलेंगे ऐसा खेलेंगे, तो क्योंकि अभी जैसा हम लोग ने मैंने नहीं सोचा था कि आई विल गेट इंजर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, सो व्हेन द टाइम कम्स दैट टाइम वी थिंक अबाउट। क्योंकि इंजरी एथलीट की लाइफ में एक पार्ट एंड पार्सल वाला हिस्सा रखती है और इंजरीज हो जाती हैं, आप कोप अप कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है, क्योंकि इंजरी पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हर एक खिलाड़ी एथलीट की लाइफ में ऐसा पल आता है, तो उसके बारे में बताइए किस तरीके से सोच रहे थे। फिजिकली कम होता है चैलेंजिंग, मेंटली ज़्यादा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, तो एथलीट के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट स्टे विदाउट गेम, और मेरा आई थिंक इट विल टेक 6 वीक्स, तो mentally it's very challenging but still trying to do my best। Any special message जो आपके LA Blaster fans को देना चाहें ISL start होने से पहले? इसको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आप लोग कर रहे हो just keep doing that, there's nothing to change yourself। Thank you so much बात करने के लिए, thank you।